हाय दोस्तों, आज मैं सूजी का नाश्ता बनाऊंगी जो कि झटपट बन के रेडी हो जाता है। जब भी हमें हल्की फुल्की भूख लगे तो फटाफट नाश्ता बना के खा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूजी का नाश्ता बनाने के लिए मैंने लिए 1 कप सूजी। सूजी कोई सी भी ले सकते हो। आधा कप मैंने स्वीट कॉर्न लिए हैं, आधी शिमला मिर्ची और आधा धनिया, और मैंने 1/4 कप दही लिया है। सबसे पहले सूजी में दही डाल देंगे और ये सभी चीज़ डाल देंगे इसमें। ये स्वीट कॉर्न मेरे फ्रोजन है, आप कोई से भी ले सकते हो। अब इसमें आधी चम्मच नमक डाल दूंगी, आधी चम्मच ओरिगेनो, आधी चम्मच से थोड़ी सी कम मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, 1/4 चम्मच काली मिर्च, और थोड़ा सा मैं 1 चम्मच करीबन मैं तेल डालूंगी, और अब इन सबको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें। जब भी हमें भूख लग रही हो तो फटाफट ये चीज़ बना के खा सकते हैं। फायदा भी करेगा ये, नुकसान भी नहीं करता। मिक्स कर लेंगे इसे। काफी स्वादिष्ट भी लगता है ये और हेल्दी भी है। इसे मिक्स कर लेंगे और इसे कम से कम 10 से 15 मिनट भीगने देंगे ताकि सूजी फूल के रेडी हो जाएगी। ये मिक्स कर लिया, अब इसे हम भीगने देंगे। 15 मिनट करीबन हो गए हैं, ये सूजी फूल गई है। इसके लिए मैंने पैन लिया है। अब पैन में घी, बटर, ऑयल जो भी आपको पसंद हो वो आप लगा लें। गैस सिम कर देंगे और ये बैटर को डालेंगे। इसमें मैं तीन बनाऊंगी। इसे फैला लेंगे, जितना मोटा पतला चाहिए। आप इसे पतले भी बना सकते हो, मोटा भी बना सकते हो, जिस तरह से चपाती बन पराठा बनाते हैं हम, लेकिन मैं इन्हें मोटे ही बना रही हूँ। अगर हमें पतले बनाने तो इसे इस बैटर को थोड़ा सा हम पतला कर लें। इसे फैला लेंगे और इसे अब सिकने देंगे। गैस सिम से मीडियम रखें, फुल नहीं करें। ऐसे ढक देंगे और इसे सिकने देंगे, नीचे से सिकने देंगे। इसे हम फिर पलटेंगे तो इसमें टोटल तीन बन जाएंगे। 5 मिनट करीबन हो गए इसे सिकते हुए, अब इसे हम पलट लेंगे। ऊपर से पूरा सूख जाएगा। और अब नीचे से भी सिकने देंगे। गैस मीडियम में रखेंगे और इसे ढक देंगे। तब हम चेक कर लेते हैं। जितना करारा पसंद हो आप उतना आप अपने हिसाब से सेक सकते हो। देखिए कितना अच्छा बना है। तो ये बन के रेडी हो गए। इसी तरह से हम सभी बना लेंगे। तो अब इसे आप हरी चटनी, केचप से खाइए और इसका आनंद उठाइए। काफी हल्का फुल्का नाश्ता है, एक खा लेंगे तो पेट भर जाएगा बच्चों का भी। तो आप जैसे बच्चे लंच में आते हैं स्कूल से तो उन्हें ये बना के खिला सकते हैं। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में। बाय बाय।